नमस्ते जोहार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, इस रेसिपी के माध्यम से कुछ देसी स्वाद को लाने का मैंने प्रयास किया है। तो इसके लिए हमें ना टमाटर ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए हैं, और फिर यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं, और कुछ मटर मटर छिमियाँ हैं जिसे छिलकों के सहित मैंने हमें ले लेना है। और सारी चीज़ों को हमें आग में पका लेना है। तो जो मैंने आलू लिया है, आलू को मैंने पहले से ही बॉईल कर दिया है, क्योंकि आलू जो है अब गैस पे अगर आप पकाते हो तो फिर ये अच्छे तरीके से अंदर से भी नहीं पक पाएगी, इसलिए मैंने इसे बॉईल कर लिया था। अगर आपके पास व्यवस्था हो चूल्हे का, अगर कोयले का व्यवस्था हो या फिर गोटे की, तो उसमें आप आग में इस आलू को पका सकते हैं। और अगर गैस पे बनाना हो तो उसके लिए आप आलू को थोड़ा सा बॉईल करने के बाद आप इसे आग में डालकर पका लें। तो इसमें जो है ना, पकने का आग का जो फ्लेवर है, पक जाने के बाद एक आलू का फ्लेवर बिल्कुल चीन सा आपको खाने को मिलेगा। तो जब आलू और टमाटर हमारा पक चुका था, तो मैंने दोनों ही चीज़ों को निकाल कर साइड कर दिया है, और मटर को भी हमें अच्छे तरीके से पका लेना है। तो मटर जब आप यहाँ इस्तेमाल करें, बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो मटर होते हैं, नरम दाने वाले मटर, उन्हीं मटर का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो मटर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ही आग में पक जाते हैं, और इसका जब पक जाने के बाद फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो मैंने आलू को बॉईल किया था, इस बॉईल किए हुए आलू के छिलकों को हमें निकाल लेना है। तो अभी हम मार्केट में बिल्कुल नई वाली आलू आई है, तो नई वाली जो आलू होती है, एक तो जल्दी पक भी जाती है, बाकी इसके जो छिलके होते हैं काफ़ी पतले होते हैं, काफ़ी आसान तरीके से छिलके भी निकल जाते हैं। तो आग में इस तरीके से जो मैंने आलू को पकाया है, इसकी वजह से आलू में एक आपको आग में पके हुए आलू का जो फ्लेवर है, वो आपको ये स्वाद जो होता है वही स्वाद आपको यहाँ खाने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस रेसिपी का जो स्वाद है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने काफ़ी आपको पसंद आएगी ये वाली रेसिपी, अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं तो। तो आलू के छिलके को आपको निकाल लेना है, इसके साथ ही मैंने जो टमाटर पका के रखा है, टमाटर के छिलकों को भी हमें सारे को निकाल कर साफ़ कर लेना है। थोड़ी बहुत अगर काले छिलके का जो काले भाग है वो अगर थोड़ा बहुत आपकी रेसिपी में रह भी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी एक काफ़ी अच्छा स्वाद आता है इसमें। तो पक जाने के बाद ये जो जल जाते हैं हमारे जो छिलके हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो टमाटर के छिलकों को भी मैंने निकाल लिया था, और जो मटर है, मटर को भी हमें छिलकों से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं दबा के भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से दब जा रहा है। तो मैंने इस ये जो मटर है, भी मटर भी का जो फ्लेवर है वो जो काफ़ी अच्छा जो हमें फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर आ चुका है, क्योंकि मटर हमारा पक गया है। और सारी चीज़ों को पकने के बाद हमें आलू टमाटर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो आप अपने हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मैश कर लें। तो ये जो हमारा चोखा तैयार होने वाला है, ऐसे तो आपने आलू टमाटर का चोखा काफ़ी बार बनाया और खाया होगा, बट अगर इस तरीके से इस चोखे को अगर बनाते हैं, तो यकीन मानिए इसका जो फ्लेवर, आप ऐसे जो चोखा बनाते हैं उसके फ्लेवर से काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको खाने को मिलेगा। और जो अभी नई वाली आलू आई है मार्केट में, इस आलू में तो काफ़ी ज़्यादा अभी स्वाद आ जाता है। और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। इसके साथ ही हमें सरसों का तेल, जो कि कच्चा सरसों का तेल, यहाँ पे डाल देना है। तो कोई भी चोखा या भरता बनाते हैं तो हमें कच्ची सरसों के तेल का यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है, वो फ्लेवर को बढ़ाता है। और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती और हरी मिर्च और प्याज, सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट लिया था। तो सारी चीज़ों को हमें चोखा में डालकर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला देना है। और ये जो है, आप इस चोखे को रोटी चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं, किसी हर किसी के साथ ये इसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आता है खाने में। तो इस तरीके से एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।